हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अनबॉक्सिंग करी थी पर्पल हॉल की, तो उसमें मैंने एक ही काजल भी मंगवाई थी। ये कलर बार की वाटरप्रूफ काजल है और इसकी कुछ पैकेजिंग इस तरह से है और इस पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, 12 घंटे इसका स्टे रहता है आपकी आंखों में और वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, ये सब कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। और इसकी शेल्फ़ लाइफ है तीन साल की इसकी शेल्फ़ लाइफ है। ये 2021 में बनी हुई है और ये है 0.30 ग्राम की काजल है, 170 रुपीज़ की। पहले इसके रेट ज़्यादा थे, अब इन्होंने नया लॉन्च किया है, इसके कम रेट में लॉन्च करी है ये। तो ये देखिए, मैंने इसको यूज़ कर चुकी हूँ मैं इसको, तो मैंने इसको ओपन किया हुआ था, ये देखिए, इसलिए कि आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर करूँ, क्योंकि जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी ये किस तरह की काजल है, कैसी काजल है और ये कितनी टाइम तक आपकी आंखों में रहती है, स्मच प्रूफ है कि नहीं है, वाटर प्रूफ है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की काजल है, एक सेकंड में बताती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की काजल है और जो इसकी ऊपर की पैकिंग जो थी उसमें जो मेंशन किया हुआ था वो सब कुछ इस पर भी लिखा हुआ है। ये देखिए, वाटर प्रूफ है और इस पर कलर बार लिखा हुआ है, इस तरह की काजल है। ये देखिए, ये इस तरह से ओपन हो जाती है, ये ऐसे ही खुल जाती है इस तरह से। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी काजल इस तरह से होती है तो उसको पूरी नहीं खोलनी चाहिए, वो एकदम टूट जाती है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मैंने काजल को पूरी खोल कर देखी और वो एकदम से टूट गई। तो आप इतनी सी खोलिए, सिर्फ इतनी काजल खोलिए और अपनी आईज़ पर लगाइए उसको, और फिर जितना यूज़ करना है उतनी उतनी खोलती चली जाइए आप इस तरह से, क्योंकि कभी भी आप पूरी खोलेंगे तो वो एकदम टूट जाती है। और ये काजल तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एक बटर की तरह, बहुत अच्छी काजल है वैसे ये, तो ये तो एकदम ही टूट जाएगी। कोई भी काजल हो तो ऐसे खोलना मत। तो मैंने फ्रेंड्स इसको एक हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इस काजल को, तो इसलिए मैं आपसे इसका रिव्यू नहीं शेयर कर रही थी। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया है एक हफ्ते तक, अपनी आंखों में इसको यूज़ किया है, तो इसलिए मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से काजल है, ये बहुत ही जेट ब्लैक काजल है, ये बहुत ही अच्छा इसका, ये बहुत ही अच्छी काजल है। देखिए ऐसे कितनी अच्छी ब्लैक काजल है और बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल बटर की तरह, ऐसे देखिए। और तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये बहुत ही अच्छा इसका पिगमेंटेशन है। और ये मैंने 2 मिनट हो गए हैं इसको लगाए हुए और अब देखिए इसको मैं रब करूँगी, ये रब तो हो रही है और बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, हल्की हल्की सी स्मच हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, ये देखिए। तो पर जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मच प्रूफ तो नहीं है, मतलब हल्की सी आपके आई से निकल जाती है, ऐसी कोई भी काजल नहीं है। मैंने सब काजल यूज़ करी हुई हैं, ऐसी कोई काजल नहीं होती फ्रेंड्स के जो बिल्कुल भी आपकी आंखों से ना निकले, थोड़ी होती तो सभी निकलती है, पर ये बहुत अच्छी काजल है। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से इसको रब करेंगे तो स्मच हो जाएगी, वैसे ये स्मच प्रूफ काजल है, बहुत अच्छी काजल है। पर मैंने एक चीज़ नोट करी है, अगर मैं इसको लगाकर किचन में जाती हूँ या काम करती हूँ कुछ भी गैस के सामने, तो ये आंखों से थोड़ी सी स्मच हो जाती है। पर अगर मैं किचन में नहीं जाती हूँ और मैंने इसको लगाई हुई है तो ये बिल्कुल भी आपकी आंखों से स्मच नहीं होती, और अगर होती भी तो हल्की हल्की नीचे आ जाती है आपकी आईज़ से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाहर आ गई और गंदी लग रही है, गंदी नहीं लगती, हल्की हल्की सी स्मच होने के बाद भी आपकी आंखों में अच्छा इफ़ेक्ट करती है, मतलब अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत गंदा लग रहा है। तो 170 रुपीज़ में बहुत अच्छी काजल है ये, क्योंकि मैंने मैबलिन की काजल कोलोसोल यूज़ करी है, वो बहुत ही ज़्यादा आँखों में, मतलब अच्छी काजल है पर बहुत ज़्यादा रब करनी पड़ती है अपनी आईज़ में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसी
जैसे फैसिस की काजल होती है इस तरह की ही है ये सेम दोनों इसी तरह से है, स्मच प्रूफ है, बहुत अच्छी काजल है। और सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि आप जब भी इस पे डिस्काउंट होता है ये मुझे पर्पल से 138 रुपीज़ में मिली है और इस पे हमेशा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ज़्यादातर। तो अच्छी काजल है, 140 रुपीज़ में कोई बुरी नहीं है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, तो काफ़ी दिन बाद मुझे कोई काजल बहुत अच्छी लगी है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।